आज तक आपने सिर्फ फिल्मों में देखा या सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी के पैसों को एक माह या 21 दिन में पैसे डबल कर देता है, किंतु इसी प्रकार का से बुरहानपुर जिले का ही युवक जिशान अंसारी लोगों से पैसे डबल करने के नाम पर लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवाता था। यही नहीं, वह लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें पैसे डबल करने भी देता था। इस प्रकार कई लोगों को झांसा देते आ रहा था, किंतु जब लोग द्वारा इन्वेस्ट कम होने लगा और पैसे अधिक देने की बारी आई तो जिशान अंसारी ने लोगों के फोन उठाना बंद कर दिए और जिले से फरार हो गया, जिसकी शिकायत लोगों द्वारा अलग अलग थानों में दर्ज की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी मामलों को एक साथ निपटाने का निर्णय लिया और जांच प्रारंभ कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जैसे से जिशान अंसारी बुरहानपुर आया, पुलिस को सूचना मिलते ही आरोपी को धर दबोचा। वही पूछताछ और तलाश के दौरान पुलिस को सबूत के तौर पर एक लैपटॉप, पैसों से भरा हुआ बैग, डायरी और रजिस्टर बरामद हुए, जिसके करीब 4 करोड़ के आसपास का ट्रांजेक्शन बताया जा रहा है। दरअसल जिशान बुरहानपुर का ही रहने वाला है, इसके पिता लूम चलाते हैं। जिशान को पहले से ही पैसे कमाने का जुनून था, जिसके चलते पहले इसने एक कंपनी ज्वाइन की जिसमें चैन सिस्टम के माध्यम से पैसे कमा सके हैं, किंतु वह कुछ दिनों बाद बंद हो गई, जिसके बाद कंपनी के आईडिया पर जिशान ने नाइस टू इंडिया नाम से एक वेबसाइट तैयार कर खुद ही लोगों से पैसे इन्वेस्ट करता और एक का डबल के नाम पर लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवाता था। इसमें अन्य लोगों के भी जुड़े होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस द्वारा और भी पूछताछ के लिए आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड की भी मांग कर रहे हैं। जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जफर अंसारी करके व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके द्वारा इस तरीके का धोखाधड़ी, जो पैसों को डबलिंग करने का एक स्कीम बनाते हुए काफ़ी लोगों से इस तरीके से धोखाधड़ी की हुई है। अभी हम लोगों ने जो है वो उसे लगभग 8 लाख के आसपास का कैश जो जब्त किया है और साथ साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी जब्त किए हैं और लैपटॉप भी जब्त किया है। सर, फरियादी कितने हैं और लगभग राशि का आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा? फरियादी जो है वो अभी हमारे पास में 8 फरियादी है, मगर जो इसके रिकॉर्ड है उसके आधार पर इसने लगभग काफ़ी लोगों से ट्रांजेक्शन किया, अराउंड 1000 के आसपास लोग होंगे जिनके साथ इस तरीके से ट्रांजेक्शन किया हुआ है। और जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड के आधार पर अगर देखा जाए कि कितना पैसे का ट्रांजेक्शन है, तो पिछले 6 महीने के अंदर 4 करोड़ के आसपास का ट्रांजेक्शन हुआ है। और भी आगे इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा क्या इसने कितना आगे काम किया होगा।